धन्यवाद उपसभापति महोदय। मेरी माँ टेलीविजन देख रही थी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा कि मनोज कूल रहना बोलने में। मैं कोशिश करूंगा मैं कूल रहूं। कृपया कृपया बोलने दे, कृपया ट्रेजरी बेंचेस पर आकर बोलने दे, कृपया बोलने दे। माननीय मनोज झा जी, माननीय मनोज झा जी, आप चेयर की तरफ देखकर एड्रेस करें, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे। सर उधर भी देखने का मन कर जाता है। सर आर्टिकल 370 वो तो इस जन्म में नहीं होगा। आर्टिकल 370 को लेकर के जो चीजें हुई हैं सर, मैं उसके पक्ष में कतई नहीं खड़ा हो सकता। सर सर मैं अपना इतिहास जानता हूं सर, मैं 370 के बनने की गाथा जानता हूं सर, मैं कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय का इतिहास जानता हूं सर। मैं बौनी समझ का नहीं हूं सर, और चूंकि बौनी समझ का नहीं हूं, मैं लगातार इस सदन में कह रहा था कि हमें क्या चाहिए, कश्मीर की जगह जमीन या कश्मीरी आवाम। सर आज मैं दुख के साथ कह रहा हूं मेजॉरिटी है, बार बार आगाह करता हूं, मेजॉरिटी आती है ना सर तो बड़े अच्छे अच्छे और बुरे बुरे दोनों ख्याल आते हैं सर। अच्छे वाले को पकड़िए, बुरे वालों को छोड़ दीजिए। सो मैं एक माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय मेरे ठीक समक्ष, माननीय उपसभापति महोदय मेरे ठीक समक्ष माननीय विधि मंत्री बैठे हुए हैं सर। 1966 में इंदिरा जी को लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण जी की चिट्ठी पढ़ रहा हूं, और इसको मान लीजिए आज की तिथि में मेरी चिट्ठी आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम, मैं जेपी की चिट्ठी पढ़ रहा हूं। द कश्मीर क्वेश्चन हैज प्लेग दिस कंट्री फॉर वेरी मेनी इयर्स, इट हैज कॉस्ट अस अ ग्रेट डील मटीरियली एंड स्पिरिचुअली, वी प्रोफेस डेमोक्रेसी बट रूल बाय फोर्स इन कश्मीर। मैं नहीं कह रहा सर, जेपी कह रहे हैं, अब उनको सोली पे मत टांगिएगा। अनलेस वी हैव ऑटो सजेस्टेड ourselves into believing that the general elections have expressed the will of the people. Sir, मैं अगले पैराग्राफ में जा रहा हूं, बड़ी लंबी चिट्ठी है। That problem exists not because Pakistan wants to grab Kashmir, but because there is a deep and widespread political discontent among the people of India might be kept in the dark about the true state of affairs in the valley, but every chancellery in New Delhi knows the truth, sir. सर पीडीपी बीजेपी की जब सरकार चली और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जैसे कत्ल हुआ, मैं समझता हूं सर उसको भी इस अफसाने में आना चाहिए कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का कत्ल हुआ उसकी वजह से 30 साल पुरानी घाटी में छवियां वापस आई हैं। सर इतने पे ही बात नहीं रुकेगी, एक नेहरू जी को भी लिखा था 1956 में जयप्रकाश नारायण ने, मे आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ सेइंग वर्ड अबाउट कश्मीर, merely to put my views before you without in the least wanting to criticize or influence what I have learnt, there is a widespread discontent in the valley. All men have to live upon this earth as brothers irrespective of what national frontiers divide them. World peace is possible upon no other hypothesis. So I believe JP ke chahne wale aur follow karne wale kuch log udhar bhi hain, kya hum us drishtikon se nahi soch sakte? हमारा पूरा दृष्टिकोण है कि इस नैरेटिव को चलाओ। आज यह चलाया जा रहा है कि जो हम विरोध में हैं, हम आपके संवैधानिक मान्यताओं के की कमी के विरोध में हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ब्रूटल मर्डर के खिलाफ हैं। सर हिंदुस्तान की मोहब्बत का अगर कोई पैमाना हो ना तो डिस्पेंसरी में मशीन लगा दीजिए और तौल लीजिए किसमें कितना है हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत का। सर हो सकता है आपसे कम ना हो, तो मैं इतना ही आग्रह करूंगा, मैं कॉशन कर रहा हूं सर, कल मैं सदन में हूं ना हूं माननीय उपसभापति महोदय, आज हमने माफी के साथ कहता हूं कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया है सर। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 5 साल बाद आप मुझे मानोगे, आप नैरेटिव चला रहे हो चलाओ, लेकिन कोई भी नैरेटिव इस मुल्क में अमृत पी के नहीं आया, हमने पुराने नैरेटिव खत्म होते देखे हैं। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अहंकार त्यागिए, कश्मीरियों को गले लगाइए, तब कश्मीर अपने आप गले लग जाएगा। आपने अलग कर दिया, वो मुझे दुख है। आज सर मैं कभी टोका टाकी नहीं करता हूं सर,
माननीय उपसभापति महोदय आपका प्रोटेक्शन चाहिए। आप बोले वैसे भी बहुत बड़ी मेजोरिटी है और यहाँ जिस प्रकार से लोग इधर से उधर जा रहे हैं आप इधर देखो, बड़ा डर भी लगता रहा। आप झाजी अठवले साहब, इस जन्म में संभव नहीं है। एनीवे साहब असर मैं आगे क्या कहूं, बस इतना दोस्तों। आप इधर बोल, आप अपनी बात कंक्लूड सर, मैं कंक्लूड ही। आप चेयर को देखकर संबोधित कर, आप ही की बात रिकॉर्ड पे जाए। अगर आपको कह रहा हूं कि अगर दिन ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक दृष्टि भी होनी चाहिए ना, सुनने की संवेदना भी होनी चाहिए, क्योंकि आज इतिहास दर्ज कर रहा है सर। आज हो सकता है हम में से कुछ को फिक्टिशियसली विलन बना के पेश किया जाए, लेकिन मैं इस बात को आपके सामने दावे के साथ कहता हूं, 5 साल बाद जेपी की यह चिट्ठी पढ़ी जाएगी और कहा जाएगा कि सदन में कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी सरकार को आगाह किया। जय हिंद सर। धन्यवाद।